हाय फोक्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिन बाद मैंने एक्चुअली वीडियोस बना रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है और वो जो रीज़न है क्वाइट एक्चुअली रिलेटेड है। क्या है कि आज मैं कोचिंग वर्सेस जो सेल्फ स्टडी का फंडा है उसके बारे में बात करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स है जो नेशनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उसके मन में कई बार चलता है कि भाई क्या करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ या फिर कोचिंग लूँ। या कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो जो आजकल कोचिंग का फीस है बहुत हाई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सच में कोई नेशनल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होता है कि नहीं। जैसे कि मैंने मेरा जो अबाउट है, अबाउट सेक्शन में भी मैंने बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं 2015 में पास आउट हो चुका हूँ। और लगभग 4 साल के बाद मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं, सच में कोचिंग की ज़रूरत होता है क्या, और या फिर सेल्फ स्टडी करके भी कोई नेशनल एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। उसके लिए ही आज का मेरा वीडियोस है। तो सबसे पहले सबको एक बार वेलकम टू इजी लर्निंग। आज टॉपिक जो है, उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा कुछ फ्रेंड्स है जिनको मानना है कि हमारा जो इंजीनियरिंग लेवल पे नेशनल एग्ज़ाम है वो गेट, वो एक्चुअली क्रैक करने के लिए आपको या तो कोचिंग की ज़रूरत होता है या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 या 2.5 साल, 1 या 2 साल आपको घर में बैठ के पढ़ना है। लेकिन मैं ये दोनों से ही, मतलब दोनों स्टेटमेंट के ही बिल्कुल अगेंस्ट पे हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि 5 साल मेरा हो गया पास होने के बाद। 2015 का बैच हूँ मैं, और मैं एक्चुअली पब्लिक वर्क्स में वर्किंग भी हूँ। तो ना तो मैंने जॉब छोड़ा और ना ही मैंने कोई कोचिंग लिया, और मैंने प्रिपरेशन भी लिया आपका जो जनवरी का 15 या जनवरी का 10th इस समय से, और मेरा एग्ज़ाम था फेबरवरी का 10th। तो आपने देखा भी होगा कि लास्ट 2 महीने में मैंने कोई वीडियोस भी नहीं डाला पूरा, बिल्कुल 25 या 30 दिन मैंने लगातार ये जो एग्ज़ाम है गेट नेशनल लेवल का, इसके ऊपर ध्यान देके। बस ऐसा नहीं कि मुझे जॉब चाहिए या फिर मुझे कोई अच्छा आईआईटीज चाहिए, मैंने बस इसको क्रैक करने की टारगेट में प्रिपरेशन लिया और एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है। इसलिए लगा मैं कि मेरे को एक वीडियोस बनाना चाहिए कि मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा इसमें, कि देखा आप देखेंगे। मैंने इसका एक स्नैपशॉट भी ले लिया कि गेट 2022 में आपका जो पास का परसेंटेज है वो बस 18.8% है, ठीक है। ओनली 18% आपका जो 100 स्टूडेंट में से 18 स्टूडेंट पास कर सकते हैं, इस टाइप का ये एग्ज़ाम है। तो मेरे ख्याल से यूपीएससी से तो इजी है, क्योंकि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन जो होता है 2% के आसपास होता है। तब भी यूपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं गेट के बारे में ही बताऊंगा। ये भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और मेरा जो ब्रांच था वो था सिविल इंजीनियरिंग, और मेरा ब्रांच में लगभग 1,26,000 स्टूडेंट अफेयर हो चुके थे, ठीक है। और अगर 18.8% माने तो उसके हिसाब से आपका पास ओनली 23,000, ठीक है। और मेरा एक्चुअली, मैंने स्नैपशॉट भी दिया आपका प्रूफ के जरिए, ये मेरा मार्क्स है आउट ऑफ 100, दिस इज़ माई रैंक 790, और ये स्कोर है। तो 100 में से मुझे 70 मिला है, और ये जो स्कोर है ये 760 है, ठीक है। और आपको इसका एक सिग्निफिकेंस बता दूँ कि आपका अगर 750 या 740 इसके ऊपर गेट स्कोर आता है और आपका जो रैंक है वो 2000 के नीचे होता है, या फिर सेफ साइड अगर मान ले तो 1000 के नीचे आता है, तब भी वो मायने रखता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि नॉर्मली रैंक विद इन 2000 आर इफेक्टिव, उसके अंदर आपका रैंक आता है तो आपको अच्छा आईआईटीज या फिर एनआईटीज या कोई पीएसयू, या पीएसयू में तो जॉब के लिए लोग चले जाते हैं, मास्टर्स के लिए लोग आईआईटीज आईएससी या फिर जो एनआईटी है उसमें जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि मेरा जो मार्क्स है वो 70+ है, मेरा रैंक जो है बिलो 1000 है, और गेट स्कोर जो है वो भी 750 एबव है। तो इसके हिसाब से कोई भी कोचिंग में जो स्टूडेंट है जिसके लिए वो लोग जाते हैं अच्छे आईआईटीज में एडमिशन के लिए,
उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर गया। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। ये जो मेरा रिजल्ट है ये पूरा बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी, वो भी बस 1 महीने का। अब कैसे मैंने 1 महीने में ये मार्क्स लाया आपको दिखाई दे रहा है, कोई मतलब नहीं फेंक रहा हो कुछ भी, और सच में 1 महीने का प्रिपरेशन था। कैसे 1 महीने में ये मार्क्स आए और विदाउट कोचिंग, आज मैं वह इस वीडियो में वो बताऊंगा, ठीक है। तो 2000 के नीचे का जो रैंक है वो इफेक्टिव होता है। अब ये जो 23,000 स्टूडेंट वो क्या करेंगे, या फिर जो 2000 के अलावा भी तो लोग स्टूडेंट जो है वो कोचिंग में जाते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा ये कहना है, जो लोग कोचिंग में गए हैं लेकिन उनका ये जो रैंक 2000 के नीचे नहीं आया, वो क्या करेंगे, और अब जो वो इन्वेस्ट कर दिया उसका क्या करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो क्यों गया कोचिंग में, अगर 2000 के नीचे आपका रैंक नहीं आया और आप कोचिंग में गए हो, 50 से 1 लाख के बीच में इन्वेस्ट भी किए हो, क्यों, वाई दे डू गो। मिनिमम मैंने लिखा कि गेट का जो आजकल कोचिंग का फीस चलता है मार्केट में, कोई भी वेबसाइट में जाके सर्च कीजिए कि गेट के लिए क्या कोचिंग चल रहा है मार्केट में, उसका क्या फीस है एनुअली, तो मिनिमम अराउंड मैंने देखा कि 70,000 के आसपास है, और यूपीएससी का जो है वो तो और भी ज़्यादा है। मैंने इस वेबसाइट पे 1 लाख ही ले लिया, और ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका स्टेट का पीएससी हो या कोई भी इस टाइप का नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए अगर आप कोचिंग देखिए तो इंडिया में इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता सीरियसली। तो अब चाहे 70,000 इन्वेस्ट कर लो, 50,000 या फिर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और भी है। इवन आजकल तो जो आपका 10th लेवल पे भी बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोचिंग आ गया, तो ऐसे चल रहा है। अब क्या होता है ये कोचिंग में, क्यों ये मतलब इतना जो अमाउंट है वो लोग क्यों ले रहा है आपसे, और अगर आपने ये इन्वेस्ट ना करके कोचिंग ना जाके अप्लाई किया तो क्या हो सकता है, क्या होता है कोचिंग में सच में। उससे पहले मैं बता दूं, आपकी कोचिंग ज्वाइन कर दो, मैंने जितने सारे स्टूडेंट को देखा है उनको बस एक ही रीज़न आया है उनसे कि भाई मैं मोटिवेट होना चाहता हूँ, मुझे एक फ्लो चाहिए कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ताकि मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो एग्ज़ाम है उस पर मेरा फोकस रहे। तो उसके बाद लगा कि ये फोकस करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, बस आप फोकस रहना चाहते हो, आप क्लास ज्वाइन करके खुद को ये समझाना चाहते हो कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मुझे पढ़ना है, बस ये तसल्ली की आप इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, तो ये मुझे सही नहीं लगा। और ये जो आंसर है, टू गेट इनटू द फ्लो, ठीक है, ये भी मुझे एक्चुअली सेटिस्फेक्ट्री नहीं मिला कि लोग इसके चलते कोचिंग जाते हैं। अब चलते हैं कोचिंग में क्या होता है सच में। कोचिंग में तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो कोचिंग वालों को एग्ज़ाम दे सॉरी क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसका आंसर आपने निकाल लिया और एग्ज़ाम हॉल में जाके पूरा डिटो लिख दिया, आपका रैंक आ गया या फिर मार्क्स आ गया, ऐसा तो नहीं चलता। तो क्या चलता है कोचिंग में, कोचिंग में चलता है आप कुछ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। क्वेश्चन कहाँ से आता है कोचिंग वाला, ऐसा नहीं कोई उसके मन में कुछ आया है उसके हिसाब से उन्होंने बना दिया ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, वो क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस वाले जो आपका एग्ज़ाम का पेपर है वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी, उसका जितने सारे प्रीवियस पेपर्स है उसको उठाते हैं, एक टॉपिक मान लो जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एप्टीट्यूड, वो लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग, बेस्ड ऑन दैट दे शॉर्ट लिस्टेड द टॉपिक्स, ठीक है। अब उस टॉपिक को आपको स्ट्रेंथ दे के पढ़ाते हैं, और कोचिंग वालों को आजकल ये लग गया कि ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग करके नहीं चलेगा, तो वो लोग सब कुछ सिलेबस में जितने सारे जो भी है वो लोग पढ़ा देते हैं, ताकि कोई उनको ना भूले कि सर आपने ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाया। तो कोचिंग में पहला चीज़ आता है क्वेश्चंस, वो लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे आपका जो टॉपिक है उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं। कहाँ से ढूंढते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी से बाहर चला गया और मंगल ग्रह से आपका आंसर लग लेके आया, वो लोग किताब से ही बुक से ही आपका आंसर ढूंढ के आपको बताते हैं। तो सिंपल बात क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोचिंग में क्या होता है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया,
क्लास में जाके बैठ गया, एक टीचर आया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताया कहाँ से, बुक से। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आजकल नेट की ज़माना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो किताब है, अगर आपको सिलेबस पता है और आपको कॉलेज में पता है कौन कौन सी किताब पढ़ना है, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और ये जो किताब है, मेरे ख्याल से लगता नहीं है कोई भी एग्ज़ाम के लिए इसका वैल्यू जो है वो 5000 से ऊपर जाएगा। इतने सारे किताब है, क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ मिला के, तो 5 की जगह पे आपने क्यों 70 या 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताइए। आप कहेंगे कि क्यों सर, वो तो पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा तो वो रहे हैं, आप तो, आपको तो वैसे भी मतलब घर में जाके पढ़ना है या फिर क्लासरूम में बैठ के आपको पढ़ना है, सीखना है, आपको लिखना है, आपको आंसर देना है आपको। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो बस जो करेंगे आपको गाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, आंसर्स के लिए सारे किताब है, तो आप क्यों भाई वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कलेक्शन होगा, मेरे पास सारे अवेलेबल बुक्स भी है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट मनी, ठीक है। अगर आपको लगता है आप ये वाला जो जॉब है आप कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर जो है उसको ढूंढ सकते हैं, तो फिर क्यों आप कोचिंग में जाएंगे और क्यों इतना सारे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि कोचिंग में जो होता है, सर पढ़ाते हैं, समझना भी तो आपको ही होना होता है, आप समझते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से वो बताते हैं, मैं कहूँगा इधर अब फिर से पढ़िए, अब फिर ना समझ में आया, अब फिर से पढ़िए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे मटेरियल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स है, तो कहीं पे भी आपको आंसर मिल ही जाएगा। ऐसे भी हो सकता है जो पर्सपेक्टिव है क्वेश्चंस का, कोचिंग में आपको ना मिले उसका आंसर। तो ये सब सेल्फ स्टडी के दौरान जब आप खुद पढ़ेंगे, खुद दिमाग में आएंगे, खुद सोचेंगे, इससे बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और इसको ही कहते हैं सेल्फ स्टडी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सेल्फ स्टडी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बाकी सारे चीज लगता है, मटेरियल जो है, बुक्स जो है, आपका जो समय है, टाइम जो है, और आपका जो मेहनत है, वो सारे चीज़ कॉमन है कोचिंग और सेल्फ स्टडी में। बस डिफरेंस ये है, कोचिंग में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, सेल्फ स्टडी में नहीं लगता है। ओके, अब सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, तो आपने समझ लिया सेल्फ स्टडी क्या चीज़ होता है और कब करेंगे सेल्फ स्टडी, क्यों करेंगे। अब देखते हैं सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, कोई भी एग्ज़ाम को पकड़ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, व्हाटएवर एग्ज़ाम, आपको लगता है कि मुझे ये ऑफिसर्स बनना है या फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, उस एग्ज़ाम की वेबसाइट में जाइए, उसका जो सिलेबस है उसको हटाइए। अब देखिए सिलेबस में क्या है, हो सकता है क्या कुछ नया नया चीज़ है जो आपने आपका जो ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं किया, आपका स्कूल के टाइम पे नहीं किया, तो जितने सारे सिलेबस है उसको आपने निकालिए और उसका प्रिंट आउट लेके अपने अंदर पॉकेट के अंदर रख लीजिए, कि किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पर आपको लगे कि मुझे देखना है कि ये वाला है कि नहीं टॉपिक पे, आपको हमेशा आपके साथ मिलना चाहिए कि सिलेबस आपके साथ है। उसके बाद क्या है, मान लीजिए सिलेबस में ABCD XYZ ये सब पढ़ना है, आप कहाँ से पढ़ेंगे। उसके लिए कोई मटेरियल कलेक्शन के बारे में मैंने नहीं लिखा इधर, मैंने लिखा कलेक्ट बुक्स। मटेरियल पे मत चाहिए, मटेरियल जो है वो डेरिवेटिव वाला चीज़ है, मतलब किसने उसको डिराइव किया है, 2-3-4 किताब से उसको डिराइव किया है, ये और मटेरियल मतलब मेरा कहना कि कोई भी नोट्स जो आजकल कोई भी जेरोक्स दुकान पे आपको मिल जाएगा, आप किसी भी कोचिंग सेंटर के बगल में जो जेरोक्स दुकान है उस पर जाइए, उसको बताइए मुझे ये वाला एग्ज़ाम के लिए मटेरियल्स चाहिए, वो आपको बड़ा बड़ा नोट्स जेरोक्स करके दे देंगे। उस पर मत चाहिए, क्योंकि वो डिराइव्ड चीज़ है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर उसको अपने के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके लिखा है, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें थी जो आपको इंटरेस्ट में आएगी लेकिन उस पर आपको नहीं दिखेगी। तो इसलिए मेरा कहना है डोंट कलेक्ट मटेरियल्स, कलेक्ट ओनली बुक्स, जितने सारे बुक्स मटेरियल जो सिलेबस है उस टॉपिक के हिसाब से आप सारे बुक्स को कलेक्ट कीजिए। आप टॉप जो लास्ट मतलब फाइनल चीज़ है, फाइनल नहीं सबसे वाइटल चीज़ है, कवर द होल सिलेबस, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया, मतलब और भी कोई ऑप्शन हो सकता था, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने डालता था,
तो सारे सिलेबस आपने अगर कवर कर लिया विद सेल्फ स्टडी, और इस टाइम आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे मतलब चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो कॉलेज का टीचर है, या फिर कोई भी यूट्यूब या फिर कोई भी ब्लॉग, जहाँ से भी हो सके आप पढ़िए एक चीज़ को, दो तीन जगह से पढ़िए, उसको समझिए, अपनी हिसाब से देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वो बाहर की दुनिया की चीज़ है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ज़रूर समझ में आएगा। आप दो तीन बार, चार बार, पांच बार लगातार उस पर फोकस करके पढ़िए, तो इस तरह आपने सिलेबस को ख़त्म कीजिए। अब सिलेबस ख़त्म हो गया तब ये फाइनल वाला टिप्स है, ये क्या है कि किताब में बहुत सारे चीज़ेस हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। हो सकता है दो तीन चैप्टर ऐसा है पिछले 10 साल में उनमें से दो क्वेश्चन भी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? उसको तो आपने बस ऐसे ही आईवाश करके पढ़ लिया, उसको समझ लिया। अब उस पे जो क्वेश्चंस बनता है उस पे फोकस मत कीजिए। अब किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको आप उठाइए। मैंने क्या किया था, मैंने बोला कि 1 महीने का मेरा प्रिपरेशन था, मैंने कॉलेज में जो पढ़ा था उसमें मेरा सिलेबस कवर हो गया था, तो ये वाला जो है कवर द सिलेबस वाला, ये चैप्टर मैंने 5 साल पहले ही ख़त्म कर लिया। बस एक आईवीएस करना था, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला होता है जो याद में नहीं रहता, लेकिन फंडामेंटल जो है, जो कंसेप्ट होता है, वो आप एक बार समझ गए वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। हो सकता है वैल्यूज़ नहीं याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो मैंने ये 1 महीने के लिए लास्ट 10 मतलब 10 साल का 2010 से जितने सारे गेट का पेपर है उसको निकाला और सारे के सारे प्रिंट आउट ले डाला। प्रिंट आउट लेके मैंने 2 3 दिन 4 दिन तो ऐसे ही देखता रहा कहाँ से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने देखा कि बस गेट में नहीं, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है, जैसे यूपीएससी में पॉलिटी का कुछ चैप्टर होता है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आता है, जियोग्राफी का या फिर हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का, इकोनॉमिक्स का, कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चंस होता है, क्योंकि ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जिसका कोई मतलब अंत नहीं है, एंड नहीं है, वो एंडलेस है। अब इकोनॉमी का हर डे आपका अपडेटेड होता जा रहा है, तो कुछ बेसिक्स होता है फंडामेंटल जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है। वैसे भी हर एक एग्ज़ाम का ऐसे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ से वो लोग क्वेश्चंस उठाता है। तो अगले मतलब पिछले 10 साल से आपने देख लिया कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक से, तो आपको एक अंदाज़ा लग ही जाएगा कि ये अच्छे से पढ़ लो। तो आप थॉरली जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार दो बार। मैंने यहाँ पे लिखा कि इवन नो नीड टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए 250 रुपये में, 500 रुपये में, आजकल तो 1,500 2,000 में भी टेस्ट सीरीज निकलता है कि ये क्वेश्चंस मतलब 4 5 टेस्ट सीरीज होगा, इस टाइम इस टॉपिक के ऊपर एक, इस टॉपिक के ऊपर दो। तो टेस्ट सीरीज का भी जो क्वेश्चंस होता है वो लोग बाहर से क्वेश्चंस नहीं लाते हैं, वो जो 10 साल 20 साल आपने 10 साल का क्वेश्चंस देख रहे हैं वो लोग 20 साल का क्वेश्चंस देख रहे हैं। 20 साल का क्वेश्चंस को ही बस डेटा चेंज करके, शफल करके, इधर उधर करके वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, और आप उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए 2,000 3,000 पेड करके घर में बैठे सॉल्व करते हो। क्यों ना आप खुद टाइम सेट करो, खुद खुद के ऊपर भरोसा करो कि मैंने किताब नहीं देखूंगा, मैंने टाइम के अंदर पेपर रेडी करूंगा, मैंने अच्छे से मार्किंग करूंगा, और पिछले साल के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा। तो बात खत्म, यहाँ पे कोचिंग का कोई मतलब एग्जिस्टेंस आता ही नहीं, ना तो प्रिपरेशन करने के लिए, ना तो टेस्ट सीरीज देने के लिए। आप सीधा एग्जाम हॉल में जाइए और प्रूफ आपके सामने है, ठीक है, प्रूफ आपके सामने है, मैंने दिखा दिया। यही मेरा एक्सपेरिमेंटेशन था कि, और इस पेपर में जो फर्स्ट आया उसका मार्क्स है 90 पॉइंट समथिंग, तो 20 का जो आंकड़ा है उसके अंदर ही आपका ये जो बीच का रैंक है वो हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल। तो मेरे ख्याल से आप एक बार सोचेंगे कि सच में कोचिंग जाना है कि नहीं, और सच में आपके अंदर काबिलियत है तो आप क्यों नहीं सेल्फ स्टडी करके कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप आगे एक बार कोचिंग जाने से पहले सोचिए और सेल्फ स्टडी के बारे में 2 बार सोचिए। ओके।